बोलो बोलो बोलो। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव IMC। तो भैया आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं। जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, गेहूँ से लोग मर रहे हैं। ज्ञापन की फोटो का भी उपलब्ध करा दूँगा। मैं मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव IMC पार्टी। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। डेंगू से लोग बेमौत मर रहे हैं। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक एक साल तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं जाता है। प्रधानों से कहा जाता है, वो कहते हैं साहब के बंगले पे लगे हुए हैं। और नालियां पटी पड़ी हैं, नालियों में पॉलीथीन भरी हुई है। कुछ निर्माण कार्य कराते हैं लोग गांव में, वो भी नालियों में ईंटें और रोड़ा डाल देते हैं। और मच्छर खूब पनप रहे हैं, कोई दवाई का स्प्रे नहीं, सफाई नहीं, जिसकी वजह से डेंगू हो रहा है। और डेंगू जो है कोरोना की तरह विकराल रूप लेता जा रहा है। तो शासन प्रशासन को सजग रहना होगा और जितनी जल्दी हो गांव प्रत्येक नाली को सफाई कराएं, दवाई का स्प्रे कराएं, ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। और सफाई व्यवस्था तो हमेशा ही रहना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक एक साल तक, 6 महीने या 1 साल तक ही नहीं जाते। नालियों का आलम क्या है? और गांव की नालियां तो चोक हैं, आड़ी तिरछी टेढ़ी हैं और वो टूट जाती हैं। पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है। इस समय हमारा नकटिया है ख्वाजा नगर, वहाँ पर नालियाँ पटी हुई हैं और 1 साल से लगभग कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचा है सफाई करने के लिए हमारा। और ये स्थिति सारे पूरे उत्तर प्रदेश की लग रही है। जहाँ भी गांव में पूछो वो ये कहते हैं कि आज हम ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे हैं, ताकि सरकार शासन प्रशासन ध्यान दे, सफाई व्यवस्था सही रखे, डेंगू में लोग बेमौत ना मरें और डेंगू जो है कोरोना की तरह विकराल रूप ना लेने पाए। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़, अपनी मांग को उठा रहे हैं। धन्यवाद।